हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग स्ट्रक्चर से क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका विंटर 2010 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एक्चुअली हमारे पास एक फ्रेम है और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका और इसको हम बेसिकली करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से। तो ये फ्रेम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मतलब हमारे जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें जितने भी केसेस हो सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट बस ये स्वे एनालिसिस नहीं है, यहाँ पे स्वे का केस नहीं है, बाकी नॉन स्वे की जितनी एनालिसिस हो सकती है सारी की सारी इस क्वेश्चन में मेंशन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, विंटर 2010। मार्कर इज नॉट डूइंग वेल, वन सेकेंड, लेट मी चेक अनदर वन। ये आपका है फ्रेम्ड बीम है, ए बी सी डी ई एंड एफ। UDL is acting on AB, magnitude of 30 kN per meter, point load on BC of 40 kN, that is 3.5 meter fall from point C, and point load of 120 kN on CD, that is 2 meter fall from point D. Okay, and this point is hinge, this is fix, this is hinge, okay, all right, this is fix. The vertical member have a moment of inertia 2i and all horizontal member have a moment of inertia i. To be have to calculate, there is a e is I think so not mentioned in the question. But we will consider as a mild steel. Let me check. Okay. Now we are going to solve this question from moment slope deflection method. Sorry, slope deflection method. हम लोगों ने earlier actually में ये देखा था कि slope deflection equation में हम कैसे कैसे equation को frame करते हैं, उसके बाद कैसे हम equilibrium लगा के उसको solve करते हैं और final result निकालते हैं। तो हमें पता था कि उसके मैं एक बार let me remind you कि जो हमारा फिक्स एंड होता है, तो अगर सपोज दैट हमारा जो फिक्स बीम होता है और ए है ये बी है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है ड्यू टू यूडीएल हो सकती है या फिर वो पॉइंट लोड हो सकता है, जो भी हो, तो उस केस में जब हम बेंडिंग इसका स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखते थे तो क्या होता था, एम ए बी इक्वल टू एम ए बी बार, दैट मीन फिक्स एंड मूवमेंट प्लस टू ई आई बाई एल प्लस टू थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस थ्री डेल्टा बाई एल। ओके, दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर बीम ए बी। यहां पे हमने क्या करा है, फिक्स एंड मूवमेंट को भी मेंशन करा है और हमने क्या करा हुआ है, डिफ्लेक्शन स्वे को भी मेंशन करा हुआ है। और जो हमारी गिवन कंडीशन होती है कि सपोज दैट ए फिक्स है तो थीटा ए जीरो हो गया, बी फिक्स है तो थीटा बी जीरो हो गया, ये सब हम कंसीडर करते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहां पे हम पुट कर लेते हैं। बट इन जनरल हमारी क्वेश्चन यही होती है। इसी तरह जब हम एम बी ए लिखते थे तो दैट इज एम बार बी ए प्लस टू ई आई बाई एल टू थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस थ्री डेल्टा बाई एल। ठीक, और जब इसका हमने कैसे इसको ड्राइव करा हुआ है ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये कैसे किसी एंड पे जो हमारा फाइनल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है वो किन किन कॉजेस से होता है। फर्स्ट आपका क्या होता था, एम आर ए बी, दैट इज फिक्स एंड मूवमेंट, जो इस एक्सटर्नल लोड की वजह से फिक्स एंड पे मूवमेंट आता है वो। ये टू फोर ई आई थीटा ए बाई एल हो गया, ए पे अगर हम थीटा स्लोप देते हैं तो उस स्लोप की वजह से जो मूवमेंट जनरेट होता है। ठीक, और आपका टू ई आई बाई एल इंटू थीटा बी, क्योंकि ये सारे के सारे सम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आई एल इंटू थीटा बी। ये कहां से आता है, जब बी पे हम थीटा स्लोप प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे जो मूवमेंट आता है उसका कैरी ओवर हाफ यहाँ पे आ जाता है। दैट्स वाई ये क्या था, यहाँ पे था फोर ई आई थीटा ए बाई एल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आई थीटा
टू ई आई थीटा बी बाई एल, यहां पर प्रोड्यूस होगा फोर ई आई थीटा बी बाई एल और उसका हाफ कैरी ओवर यहां पर आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये आपका थ्री टू जा सिक्स ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर, ये जो हमारा आता है आपका, इसके मूवमेंट जो प्रोड्यूस होता है ये होता है ड्यू टू वॉट, ड्यू टू स्वे या ड्यू टू डिफ्लेक्शन। अगर हमारा सपोज दैट बी पे डिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, थ्री डेल्टा बाई एल, दोनों साइड ये सेम साइन के साथ प्रोड्यूस होता है। अगर हमारा सपोज दैट ये एंड ए है, ये एंड बी है, ठीक है, ये एंड ए है, मिडल इज इट विजिबल, ये आपका एंड ए है, लेट्स टेक ये एंड ए है, ये एंड बी है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बेसिक इसके लिख देता हूं। तो सपोज दैट यहां पर अगर डेल्टा डिफ्लेक्शन होता है और ये फिक्स है, अगर यहां पे डेल्टा डिफ्लेक्शन होता है तो इस वजह से यहां पे स्लोप कैसे प्रोड्यूस होगी, ऐसे, तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए यहां पे मूवमेंट आ जाएगा, तो ये मूवमेंट ऐसे आता है, ये हो गया आपका 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर, और सेम मूवमेंट यहां पे 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर। फिक्सिंग मूवमेंट यहां पे एम ए बी और एम बी ए आएगा, ठीक है, और उसके बाद ये आपका 4 ई आई थीटा बाई एल इस एंड पे, और इस एंड पे क्या आ जाएगा, इस थीटा ए की वजह से यहां पे क्या आ जाएगा, 2 ई आई थीटा ए बाई एल, और यहां पे जब हम स्लोप थीटा देंगे तो इस पॉइंट पे कितना मूवमेंट आएगा, 4 ई आई थीटा बी बाई एल, और उस 4 ई आई थीटा बाई एल के उस थीटा बी की वजह से जो इस एंड पे मूवमेंट आएगा वो कैरी ओवर हो जाएगा हाफ, क्योंकि ये फिक्स है, तो क्या आ जाएगा 2 ई आई थीटा बी बाई एल। तो इस वजह से हम इस पूरे के पूरे इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, ठीक। तो ये तो हुआ पहला कंडीशन। जब कभी कभी हिंज आ जाता है, जब कभी कभी हिंज आ जाता है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कि जैसे यहां पे देखो सपोज दैट पॉइंट ए हिंज है, तो हम एम ए बी की क्वेश्चन लिखें और उसको जीरो पुट कर दें, क्योंकि एम ए बी हिंज है तो पता है ए पॉइंट पे कोई भी मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, और फिर हम एम बी ए की इक्वेशन लिखें, या हम डायरेक्टली एम बी ए की इक्वेशन लिख के कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम एम बी ए की ए बी की इक्वेशन लिखेंगे और बी ए की लिखेंगे तो वहां पे थीटा ए भी आएगा और थीटा बी भी आएगा, और हमको पता है कि ए पे हमारा मूवमेंट जीरो है, तो ए पे अगर वो स्लोप नहीं पूछ रहा है, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी है और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हम जब हिंज होता है हमारा फार एंड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड इक्वेशन लिखते हैं, और मॉडिफाइड इक्वेशन कैसे लिखते हैं और वो किन किन केसेस में इक्वेशन आ सकती है वो आपको मैं बताता हूं। सपोज दैट कि ये हमारा बीम है, ठीक है, ये बीम है हमारी, और यहां पे मान लो कि कोई भी लोड लग रहा है, तो इसकी मान लो कि लोड डब्ल्यू लग रहा है, लेट्स टेक जस्ट एग्जांपल, तो डब्ल्यू लग रहा है, तो यहां पे आपका फिक्स एंड मूवमेंट कितना आता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, यहां पे कितना आना चाहिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, बट ये तो हिंज है तो यहां पे तो कोई मूवमेंट आएगा नहीं, जब यहां पे कोई मूवमेंट नहीं आएगा उसका मतलब यहां पे जीरो होना चाहिए, और यहां पे जीरो होने के लिए इसके हम अपोजिट डायरेक्शन में सेम मूवमेंट लगा देंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, और ये फार एंड फिक्स है, तो इसका इस मूवमेंट को जो यहां पर हमने लगाया अलग से यहां जीरो करने के लिए, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट यहां भी आएगा, तो अगर फार एंड फिक्स है तो हाफ मूवमेंट यहां पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व बाई टू, अब यहां पर क्या हो गया, जीरो, अब यहां पे जीरो हो गया। तो अगर हम वैसे देखें तो ये क्या था, ये था एम एफ बी ए, ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, जीरो करने के लिए एम एफ बी ए, ये आपका क्या था मूवमेंट, अगर ए बी है तो ये क्या मूवमेंट, ये था एम एफ ए बी, ठीक, और यहां पे जो हम हाफ कैरी ओवर करा हमने जीरो करने के लिए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम एफ बी ए बाई टू। तो इस केस में जब हम इक्वेशन लिखेंगे एम ए बी की, जब एम ए बी की इक्वेशन लिखेंगे तो यहां पे टोटल मूवमेंट कितना आ गया, यहां पे टोटल मूवमेंट आ गया एम एफ ए बी प्लस एम एफ बी ए बाई टू, प्लस ये चीज आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब ये पॉइंट हमारा फिक्स होता था, जब ये पॉइंट हमारा फिक्स होता था तो उस केस में 4 ई आई थीटा बाई एल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, बट जब हमारा पॉइंट हिंज होगा, जब हमारा पॉइंट हिंज होगा तो कितना मूवमेंट प्रोड्यूस होगा फार एंड पे, तब हमारा जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा वो होगा 3 ई आई थीटा बाई एल। तो यहां पे जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो लिख देंगे 3 ई आई थीटा ए बाई एल, 3 ई आई
थीटा, अगर हम सपोज दैट ए बी साइड से लिख रहे हैं, अगर हम ए बी साइड से लिख रहे हैं और थीटा है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फिक्स, तो हमने एक कंडीशन दिखाई है, अगर ये पॉइंट कहीं बीच में होता तो ये फिक्स ना होता, मतलब फिक्स होता बट यहाँ पे रोटेशन आता, जब एंड पॉइंट फिक्स होता है तो वहां पे जल्दी क्या होता है, हमेशा रोटेशन जीरो हो जाता है। लेकिन ये जो बीच के पॉइंट होते हैं हमारे रिजिड फ्रेम में, ये पॉइंट इसको भी हम फिक्स ही कंसीडर करते हैं एनालिसिस के लिए, बट इस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, इस पॉइंट पे हमारा रोटेशन भी आता है। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं तो क्या हो जाता है, थ्री ई आई थीटा ए बाई एल, और इसी तरह से जो हमारा ये सिक्स ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर आता था, क्या सिक्स ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर डिफ्लेक्शन की वजह से मूवमेंट आता था, वो क्या हो जाता है, थ्री ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर। तो जो मॉडिफाइड इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है एम एफ ए बी प्लस एम एफ बी ए बाई टू, ठीक है, जल्दी हम बाहर लिखते हैं इसको, डिपेंड अपॉन यू जो भी साइन करना, जो भी जैसा भी आप नोटेशन रिज्यूम कर लो, प्लस थ्री ई आई बाई एल थीटा ए माइनस डेल्टा बाई एल। ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन, मॉडिफाइड इक्वेशन जब फार एंड हमारा हिंज हो, क्योंकि इसका मैं डायरेक्टली यहां पे यूज करूंगा। और एक केस कभी कभी और पूछ लेता है कि सपोज दैट यहां पे ऐसे फिक्स है और फिक्स के बाद ओवरहैंग भी होता, मान लो यहां पॉइंट रूट पी लग रहा होता और ये डिस्टेंस एल डैश होती, तो उस केस में क्या करेंगे अब हम, उस केस में सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी, ये हिंस था तो यहां पे हम इसकी वजह से सब कुछ जीरो करेंगे, बट इस ये जो मूवमेंट है पी एल डैश वो भी यहां पे आ जाएगा। अगर इसको हम देखें और पी एल डैश के इफेक्ट को इस पॉइंट पे देखें तो यहां पे एक और क्या मूवमेंट आ जाएगा, पी एल डैश, और इसका सेम कैरी ओवर यहां पर क्या आ जाएगा, पी एल डैश बाई टू। तो यहां पर क्या करते हैं हम इस केस में, प्लस अगर ये साइन ऐसे है तो ये साइन आपका अपोजिट हो गया, जो भी साइन कन्वेंशन होगा, से यहाँ पे हम देखो इस साइन में लिखा है हमने तो यहाँ पे अपोजिट साइन में आ गया, लोड नीचे से लग रहा होता तो इस साइन में आ जाता, तो जिस तरह के भी रोटेशन आएगा, तो अगर हमने इस साइड को पॉजिटिव यहाँ पे माना है तो इसको हम निगेटिव लिख लेते हैं, तो माइनस पी एल डैस बाई टू भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे इसके साथ, प्लस थ्री आई एल थीटा ए माइनस डेल्टा बाई एल, ठीक है। तो अगर हम फार एंड हिंज हो और कैरी हो, अगर आपका ओवरहैंग भी हो रहा हो तो उस केस में मॉडिफाइड इक्वेशन क्या लिखेंगे, सेम जैसे हिंज का था, और इस पी एल डैश के पी एल डैश यहां पे मूवमेंट आ गया इसकी वजह से, अगर इस पॉइंट पे मूवमेंट देखा जाए और इसको रिड्यूस कर दिया जाए तो यहां पे पॉइंट लोड पी आ जाएगा और मूवमेंट क्या आ जाएगा, पी एल डैश, और उस मूवमेंट को जब हम इस एंड पे क्या करेंगे, कैरी ओवर करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा, और ये डायरेक्शन हमारी अपोजिट थी तो माइनस पी एल डैश बाई टू। तो ये मॉडिफाइड इक्वेशन हो गया हिंस विथ ओवर हैंग, ठीक है। तो बस इतना ही होता है इसमें कॉन्सेप्ट, बाकी हम फटाफट इक्वेशन लिखते हैं और सारी की सारी आपकी क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस है, हम इक्वेशन लिखते जाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं और हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी आपको सारे साइन कन्वेंशन डिटेल में पता ही है कि हमने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करा था। इक्वेशन लिखने के लिए हमें बेसिक आपको फिर से एक बार मेमोराइज करा दिया कि जिससे इक्वेशन जो लिखी जा रही है वो थोड़ी बहुत आपके समझ में आए कि क्या हो रहा है, और बाकी आपको पता है फिक्स पैटर्न है। एक आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड से क्वेश्चन हो गया, एक क्या कभी कभी दो हो जाते हैं, जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन हो गया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आपका कभी कभी ये स्टिफनेस मेथड से भी आ जाता है, या जिसको हम फोर्स मेथड बोलते हैं, फोर्स मेथड से क्वेश्चन आ गया, और ट्रस्ट के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इन तीनों टॉपिक से तो करके वैसे ही 60 नंबर तो तुम आराम से ले आ सकते हो, और इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही करके रखना होता है, और जो क्वेश्चन आते हैं बस केवल ऐसा आते हैं कि थोड़ा लंबी होते हैं, जैसे भी ये क्वेश्चन है तो इसमें देखो एक दो तीन चार पाँच बीम है, मतलब पाँच मेंबर है, सॉरी तीन बीम है दो कॉलम है, तो अब इन पाँच मेंबर की हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा लंबी होएगा सवाल और एरर होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते इसके स्लोप डिफ्लेक्शन और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के, और जो ट्रस्ट के बड़े क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन का, जिसमें एनर्जी मेथड वगैरह लगा के 10-12 है, 12 मेंबर है, 15 मेंबर है, 10 मेंबर है, 8 मेंबर है, आपको फोर्स वगैरह फाइंड आउट करना है, तो उसकी हम अगर प्रैक्टिस नहीं करते ना तो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है फिर भी एरर हो जाता है। तो इसमें कुछ वैसे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, सिंपल सी मैथमेटिकल एनालिसिस होती है, कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन कर ही लोगे तुम, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है, अदरवाइज वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, और उससे क्या होता है हमारा मतलब स्टेप मार्किंग तो होती है बट फिर भी तुम्हारे कुछ ना कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो और ये पोर्शन स्ट्रक्चर का ऐसा होता है कि तुम थोड़ा सा समझ लो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो,
क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं टॉपिक में, क्या है कैसे है, जैसे सारा कुछ जब हम लोग ने क्लास में करा हुआ है तब तो कराया हुआ है, तो मैं बस केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा था, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको, बाकी वहां तो हमने सारे कॉन्सेप्ट करे हुए हैं, तो बस कॉन्सेप्ट को समझ लो और दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि कुछ भी नहीं घुमा सकता, कितना भी घुमाएगा तुम क्वेश्चन कर लोगे, घुमाएगा ही क्या, एक फ्रेम का इक्वेशन है, इसमें ये दे सकता है कि ये जो आपका हिंज है ये 3 mm नीचे आ गया, या फिर ये सी पॉइंट 2 mm यील्ड हो गया, बस इससे ज्यादा और टफ बना ही नहीं सकता, स्वे दे सकता है बस, फ्रेम और स्वे, लोडिंग कभी कभी हो सकता है कि जो यूडीएल है वो वेरिएबल लोड दे दे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दे दे, बस इससे ज्यादा क्या करेगा, तो वेरिएबल जो यूनिफॉर्म वेरिंग लोड की वजह से आपका फिक्स्ड मूवमेंट आता है वो लिख देना, और वो सारा हम लोगों ने टेबलर फॉर्म में पहले ही लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं, अब हम इसकी इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं हम MAB, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिक्स एंड मूवमेंट निकालेंगे, जो हमारा स्टेप वन होता है वो क्या है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट, MAB क्या है आपका, UDL लग रहा है, WL स्क्वायर बाई 12, 30 इंटू, ये एक्चुअली जो मेंबर है 54464, ये आपका है 5 meter, ये आपका है 4 meter, ये आपका है 4 meter, ये आपका है 6 meter, और ये आपका क्या है 4 meter, ये मेंबर की साइज है। अब देखो एम ए बी क्या हो जाएगा, यूडीएल है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, 30 इंटू 5 square by 12 माइनस, क्योंकि ये इसका जो ए वी होगा लोड की वजह से ये शेप बनेगा ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप ऐसे आएगा, तो इसमें जो मूवमेंट जनरेट होगा रेजिस्टेंस के लिए ऐसे होगा, और हमें पता है इसका साइन कन्वेंशन क्या है, हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, जो फिक्स एंड मूवमेंट है, फिक्स एंड मूवमेंट के लिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन है कि जो मूवमेंट हमारा आता है वो क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, ये फिक्स एंड मूवमेंट एनालिसिस के लिए है। बाकी जब हम बीएमडी ड्रॉ करेंगे तब हम क्या देखेंगे, तब सैगिंग हॉगिंग देखेंगे, बीएमडी ड्रॉ करते वक्त हमेशा हम क्या देखते हैं, सैगिंग हॉगिंग, बट जब हम फिक्स एंड मूवमेंट की इस बीम की एनालिसिस करेंगे तो उस केस में हम क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, निगेटिव, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेते हैं, तो हो गया डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12 माइनस किलो न्यूटन मीटर, और उसके बाद हमारा एम बार बी ए हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, सेम है आपकी इसकी, इस मेंबर की भी थिकनेस सेम है, लोडिंग कंडीशन सेम है। अब इसी तरह हम अगले मेंबर के लिए ले लेंगे, जो हमारा दूसरा मेंबर है, अब उसके लिए फिक्स एंड मूवमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, तो उसके पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड में आपको पता है जब सेंटर पे होता है तब क्या हो जाता है, तब हमारा हो जाता है डायरेक्टली पीएल बाई 8, तो हमारा सेंटर पे हो जाता होता है तब क्या हो जाता है, डायरेक्टली पीएल बाई 8, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 4 meter, ये 3.5 meter है, ये हमारा 4 meter है और ये 3.5 meter है, तो उस केस में आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, अगर सपोज दैट पी लोडिंग लग रही है, ए है ये बी है, तो जो हमारा फिक्स एंड मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, पी ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इस साइड क्या हो जाता है, पी बी ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे हमें पता है 3.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 meter, हमारा 3.5 है तो क्या हो जाएगा, 0.5 meter। अब हम फिक्स एंड मूवमेंट लिख लेते हैं क्या होगा, तो जब हम फिक्स एंड मूवमेंट निकालेंगे जब फिक्स एंड मूवमेंट निकालेंगे हम, तो यहां पे हो जाएगा क्या, एम बार बी सी आपका क्या हो जाएगा, पी 40 इंटू 0.5 इंटू 3.5 का स्क्वायर बाई 4 square माइनस, एम बार सी बी हो जाएगा आपका प्लस 40 इंटू 3.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर बाई 4 square किलो न्यूटन मीटर, इसी तरह हम अब अगला निकालेंगे, वन बाई वन सारे निकालते रहेंगे। अब एम बार बी सी के बाद हमारा क्या आ गया, सी डी बीम आ गई, तो यहां पे
एम बार सी डी क्या हो जाएगा, ये आपका 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा, मतलब ये सेंटर पे लग रहा है, सेंटर पे लगने पे हमारा क्या होता है पीएल बाई 8, सेंटर पे क्या होगा पीएल बाई 8। कैलकुलेटर एम सी डी आपका क्या होगा, कैलकुलेटर एक बात है ना, एम बार सी डी आपका क्या हो जाएगा पीएल बाई 8, तो 120 इंटू एल बाई 8 माइनस किलो न्यूटन मीटर। और उसके बाद एम बार डी सी क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, पीएल बाई 8 किलो न्यूटन मीटर। थैंक यू। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू आई आपकी 30 × 5² / 12, ये आपका हो गया 62.5। ये आपका वैल्यू क्या हो गया, यहां पे एक बार मैं साइड में लिखता जाता हूं सारा, फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू, साइन कन्वेंशन आपने देख ही लिया, ये आपका है 30। तो आपका एम बार ए बी हो गया -62.5, सारे का सबका यूनिट क्या है किलो न्यूटन मीटर। एम बार बी ए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेम होगा ये भी, क्योंकि ये तो दोनों वैल्यू सेम ही है, यूडीएल लग रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 62.5। उसके बाद आपका एम बार बी सी, एम बार बी सी हो गया आपका 40 × 5 × 3.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16, दैट इज -15.3125। उसके बाद एम बार सी बी, एम बार सी बी क्या होगा, एम बार सी बी हो गया आपका 40 × 3.5 × 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16, तो वैल्यू हो गई +2.1875। एक चीज मैं आपको और बोल दूं कि जैसे कैलकुलेशन जहां पे हो रही है तो मैं खुद से ही कर रहा हूं रैंडमली, तो अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ होती है तो वो चीज आप मेंशन कर लेना, अगर सपोज दैट वैल्यू यहां पे 2.1 की जगह 3.1 आ गया तो फर्दर क्वेश्चन को वैसे कैरी कर लेना, तो वो चीज तो आप कर ही सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक को आप लोग ध्यान रखना, बाकी कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करो कि चीजें कैसे हो रही हैं। एम बार सी डी क्या हो जाएगा आपका 120 × 4 / 8, ये वैल्यू आ गई आपकी 60। एम बार सी डी क्या हो गया -60 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद एम बार डी सी क्या हो जाएगा आपका, सेम 60 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज आएगा। और हमें पता है कि जो हमारे दोनों कॉलम है, हमारे दोनों कॉलम यहाँ पे कौन से हैं, लेट्स टेक ये ई है और ये एफ है, तो हमारा जो बी ई और आपका सी एफ ये दोनों वर्टिकल मेंबर है, यहां पे क्या है, यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो फिक्स एंड मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो एम बार बी ई इक्वल टू एम बार ई बी इक्वल टू एम बार सी एफ इक्वल टू एम बार एफ सी, ये क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी वैल्यू हो जाएंगी जीरो। ये सारी की सारी क्या वैल्यू हो जाएंगी, जीरो। अब हम आगे देखते हैं, पहला स्टेप हमने कैलकुलेट कर लिया, पहला स्टेप क्या था, फिक्स एंड मूवमेंट निकालना। अब फिक्स एंड मूवमेंट निकालने के बाद हम क्या लिखेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अगर हमारा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता तो हम क्या करते हैं, हम निकालते डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, हम क्या निकालते, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब यहां पे लिखेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो देखो ये हमें पता है कि ए हिंज है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट मॉडिफाइड इक्वेशन लिख देंगे एम सी ए। तो एम सी ए क्या हो जाएगा, एम बार सी ए, ठीक, प्लस एम बार ए सी, एम बार ए बी, ये क्या है, बी ए है, सॉरी
सी ए नहीं बी ए, तो एम बी ए क्या हो जाएगा, एम बार बी ए प्लस एम बार ए बी बाई टू, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले मॉडिफाइड इक्वेशन लिखा था, प्लस थ्री ई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई, थ्री आई बाई एल, एल की वैल्यू 5 मीटर, थीटा बी, थीटा बी अगर हमारा यहाँ पे यील्डिंग हो रही होती, मान लो कि ये डेल्टा नीचे आ रहा होता तो हम डेल्टा बाई एल को भी मेंशन करते विद साइन, अगर ये एंड हमारा डेल्टा नीचे आता तो इसका मतलब जो मूवमेंट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे देखो, अगर ये वाला सपोज दैट बी है, ये आपका ए है ये बी है, और अगर यहाँ पे डेल्टा जाता तो कुछ ऐसे बनता, तो यहाँ पे स्लोप कैसे आती ऐसे, तो जो हमारा मूवमेंट प्रोड्यूस होता कैसे ऐसे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या हो जाता हम लिख देते अगर बी ए नीचे आ रहा होता बी के मेरिजन में तो क्या लिख देते प्लस डेल्टा बाई एल। तो अगर हमारा राइट साइड सपोर्ट यील्ड हो रहा है, अगर हमारी बीम है जिस बीम की भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं ए बी, उसमें अगर राइट साइड यील्ड हो रहा है नीचे की तरफ तो हम क्या लेंगे यहां पे माइनस डेल्टा बाई एल, या फिक्स होगा तो माइनस थ्री डेल्टा बाई एल, और अगर हमारा लेफ्ट साइड राइट के कंपेरेटिवली यील्ड हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में तो हम क्या लेंगे तो प्लस ले लेंगे। अगर हमारा ये नीचे गया सपोज दैट ऐसे देखो, अगर ये नीचे गया हमारा तो याद नहीं करना आपको, अगर ये यहां पे ये ए है बी है, अगर ये इस साइड डाउन जा रहा है तो स्लोप ऐसे आएगी तो मूवमेंट ऐसे आ जाएगा, मूवमेंट क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बार नेगेटिव लिखेंगे। अगर इसके कंपैरिजन में ये वाला नीचे आ गया तो यहां पे स्लोप कैसे आया ऐसे, इसको काउंट ऑफ करने के लिए हमारा मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज, हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने क्या बोला था कि मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर सकता है तो सपोर्ट यील्डिंग इसमें और कर सकता है, तो अगर ये हमारा नीचे आया होता तो हम यहीं पे क्या करते डेल्टा वाई और मेंशन कर लेते बस इक्वेशन में, और हमारा कोई दिक्कत नहीं होता, क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाता। लेकिन स्वे में क्या होता है एक चीज और होती है, जब हमारा फ्रेम में यील्डिंग हो जाती है तो हम जितने नंबर ऑफ इक्वेशन लिखते हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती, हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड अ सीयर इक्वेशन, उस चीज के बारे में आपको बता दूंगा, या एक क्वेश्चन यील्डिंग का मैं एक बार करा के आपको फ्रेम का दिखा दूंगा इसके बाद। ओके, तो उसके बाद आपका हो गया क्या है थीटा बी, ठीक, ये हो गया इक्वेशन वन, या हम यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, एम बार बी ए, एम बार बी ए कितना है आपका दैट इज 62.5 पॉजिटिव है, एम बार ए बी कितना है, एम बार ए बी आपका 62.5, ये आपका क्या है नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन के साथ है तो वहां पे जब हमारा काउंटर करेगा तो नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, तो -62.5 बाई टू। देखो इसको मैं याद ना करें तो ऐसे कर भी सकते हैं, यहाँ पे क्या आया ये मूवमेंट आया, यहाँ पे ये मूवमेंट आया, इसको जीरो करना है तो यहाँ पे इस साइड लगा मूवमेंट और यहाँ पे क्या लग जाएगा इस साइड, तो अगर हमें कैरी ये जीरो करना होगा तो यहाँ पे जो मूवमेंट था उसके हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, उसके हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, बस ऐसे आपको याद रखना है। देखो कैसे याद रखना है कि हम प्लस करेंगे, माइनस आपको रटना नहीं है कि माइनस एम ए बी बाई एल या प्लस एम ए बी बाई एल, बस हमें ऐसे देखना है, क्या देखना है कि ये था ए बी, यहां पे ऐसे लग रहा था क्या 62.5, यहां पे क्या लग रहा था 62.5, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, जो यहां वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि हिंज है तो यहां जीरो होगा, जीरो होगा तो इस साइड हम 62.5 लगा देंगे तो यहां जीरो हो गया, और इसकी वजह से यहां कैरी ओवर कितना आ जाएगा 62.5 बाई टू, ठीक, और दोनों क्लॉकवाइज लग रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां पे जो मूवमेंट आएगा क्या आएगा 62.5 प्लस 62.5 बाई टू, ठीक। बाकी आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि माइनस एम ए बी बाई टू या जो भी आता है प्लस थ्री ई आई बाई फाइव इंटू थीटा बी, तो फाइनली आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा 62.5 प्लस 62.5 बाई टू, तो आ गया आपका 93.75, क्या जाएगा 93.75। प्लस 3 बाई 5 ई आई थीटा बी, दैट इज इक्वेशन वन, यहाँ पे क्या हो गया इक्वेशन वन, एम बी ए हो गया। अब हम लिखेंगे इक्वेशन किसका एम बी सी का, एम बी सी क्या हो जाएगा, तो दोनों एंड फिक्स हैं तो एम बार बी सी प्लस 2 ई आई बाई एल, एल की वैल्यू कितनी है 3.5 और 0.54, 3 आई बाई एल 2 थीटा बी प्लस थीटा, यहां पे थीटा बी भी होगा थीटा सी भी होगा क्योंकि
जो हमारा एंड मूवमेंट एंड जो होता है वो अगर फिक्स होता है तब हम क्या करते हैं रोटेशन को जीरो लेते हैं, अदरवाइज इन दोनों पॉइंट पे इवन इसको हम फिक्स कंसीडर कर रहे हैं, बट ये बीच के पॉइंट है और रिजिड फ्रेम है इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं फिक्स कंसीडर कर रहे हैं, बट यहाँ पे रोटेशन होगी। अब एम बार बी सी की वैल्यू क्या है, एम बार बी सी है माइनस 15.3125 प्लस 2/4 ई आई 2θb प्लस थीटा ए, 2θb प्लस थीटा ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 15.3125 प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा ई आई θb प्लस 1/2 ई आई थीटा ए। तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आई, हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई वो आई माइनस 15.3125 प्लस ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा ए, दैट इज क्वेश्चन नंबर। अब एम बी सी के बाद हम क्या करेंगे, एम बी सी के बाद हम लेंगे एम सी बी। अब हम क्या मोमेंट लेंगे, एम सी बी, एम सी बी क्या हो गया एम बार सी बी, एम बार सी बी आपकी क्या वैल्यू है, एम बार सी बी है 2.1875 प्लस 2 ई आई बाई एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा सी प्लस थीटा ए। तो इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, इक्वेशन निकल के आ जाएगी 2.1857 और ये हो जाएगा आपका यहां पे वैल्यू हो जाएगी ई आई थीटा सी प्लस 0.5 ई आई थीटा बी। यहां पे एम हमने जो बी सी लिखा है तो ई आई थीटा बी प्लस क्या था यहां आपका थीटा सी, तो मिस्टेक नहीं करनी है, 2.1875 ई आई थीटा सी प्लस 0.5 ई आई थीटा बी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखते हैं किसके लिए, एम सी डी के लिए। तो एम सी डी क्या हो जाएगा आपका एम बार सी डी, एम बार सी डी कितना है आपका माइनस 60 प्लस 2 ई आई सेम है एल 4 2 थीटा सी प्लस थीटा डी, और डी क्या है हमारा फिक्स्ड मूवमेंट है तो पता है आपका क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां पर जो इक्वेशन आ जाएगी ये क्या आ जाएगी थीटा डी जीरो हो गया तो ये हो जाएगा 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा ई आई थीटा सी माइनस 60 प्लस ई आई थीटा सी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब इसी तरह क्या लिखेंगे एम डी सी लिखेंगे, एम डी सी हो गया 60 प्लस 2 ई आई बाई 4 2 थीटा डी प्लस थीटा सी, तो थीटा डी हमारा जीरो है ये टर्म जीरो हो गया तो यहां पे जो हमारा क्या बचेगा यहां पे बच जाएगा आपका 0.5 ई आई थीटा सी, ये हो गया आपका इक्वेशन 5। इसी तरह आप हम क्या करेंगे, इसी तरह हम मूवमेंट इक्वेशन लिखेंगे बी ई के लिए, तो क्या हो जाएगा एम बी ई, एम बार बी जीरो है 2 ई आई की वैल्यू यहां पे क्या है 2 ई आई तो 2 ई आई बाई एल है 6 मीटर 2 थीटा बी प्लस थीटा ई, थीटा ई हमारा क्या है जीरो है तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी ये यहां पे हमारी वैल्यू हो जाएगी ये थीटा है जीरो हो गया ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ये 2 8 ई आई थीटा बी बाई 6 या हम इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 ई आई थीटा बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 ई आई थीटा बी, ये हो गया आपका क्या इक्वेशन 6। इसी तरह एम बी हो गया, अब हम क्या लिखेंगे एम ई बी, एम ई बी लिखेंगे तो एम ई बी की वैल्यू क्या आएगी एक्सटर्नल मूवमेंट जीरो फिक्स्ड मूवमेंट तो 2 ई आई बाई एल 2 थीटा ई प्लस थीटा बी, थीटा ही हमारा जीरो है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बचेगा फाइनली 4/6 ई आई थीटा पी, या हम क्या लिख सकते हैं 2/3 ई आई थीटा पी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2/3
ई थीटा बी। एक्चुअली स्पेस का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है इसलिए इसको मैं इरेज करके यहीं पे बार बार लिख रहा हूं। अब इसी तरह अब यहां पे क्या है जो आपका एफ एंड है ये हिंज है तो इसके लिए मॉडिफाइड इक्वेशन लिख देंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा एम सी एफ इक्वल टू फिक्स एंड मूवमेंट जीरो। तो यहां पे क्या होता है आपका थ्री ई और यहां पे टू आई है टू आई बाई एल फोर इंटू क्या हो जाएगा थीटा सी। तो वैल्यू हो जाएगी सिक्स बाई फोर मतलब थ्री बाई टू सिक्स बाई फोर क्या हो जाएगी थ्री बाई टू ई आई थीटा सी। ये हो गया आपका इक्वेशन एट। तो हमारे पास यहां पे आठ इक्वेशन हो गए हमारे पास कितने इक्वेशन हो गए आठ। अब इन आठों इक्वेशन में हम इक्विलिब्रियम लगा के सारे मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर उसका फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे फिर हम क्या करेंगे ये सारे स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट मान के एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से सिंपली सपोर्टेड मान के उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ और दोनों को ओवरलैप कराएंगे और हम क्या करेंगे फिर फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं लेट्स टेक स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं। तो हमारा जो पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा अगर हम जॉइंट बी पे लेते हैं तो जॉइंट बी पे क्या हो जाएगा कोई एक्सटर्नल मूवमेंट तो लग नहीं रहा है एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम बी इक्वल टू जीरो। अब एम बी ए क्या है आपका 93.75 प्लस 3/5 ई आई थीटा बी। उसके बाद आपका एम बी ए और उसके बाद क्या आ गया एम बी सी एम बी सी हो गया माइनस 15.3125 प्लस ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा सी। उसके बाद एम बी ई हमारा एम बी कहाँ यहाँ पे है एम बी क्या हो गया प्लस 4/3 ई आई थीटा बी इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थीटा बी थीटा बी थीटा बी तो क्या हो जाएगा आपका ई आई थीटा बी 3/5 प्लस 1 प्लस 4/3 उसके बाद क्या हो गया आपका प्लस 0.5 ई आई थीटा सी इक्वल टू या फिर प्लस आपका 93.75 माइनस 15.3125 इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 3/5 प्लस 1 प्लस 4/3 क्या हो गया 2.933 ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा सी प्लस 93.75 माइनस 15.3125 78.4375 इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या इक्वेशन हो गया ये हमारे पास थी पाँच छ सात और उसके बाद आपका आठ यहाँ पे कितने इक्वेशन थे एट। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो गया इक्वेशन नंबर नाइन ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर नाइन। अब हम सेकेंड मोमेंट इक्विलिब्रियम लगाएंगे किस पॉइंट पे जॉइंट जी सी पे तो यहां पे क्या हो जाएगा एम सी बी प्लस एम सी डी प्लस एम सी एफ इक्वल टू जीरो। तो जब एम सी बी की वैल्यू हम क्या करेंगे यहां पे एम सी बी हमारा ये इक्वेशन रहा दैट इज 2.1875 प्लस ई आई थीटा सी प्लस 0.5 ई आई थीटा बी क्या हो गया एम सी बी। अब एम सी डी हमारा क्या होगा माइनस 60 प्लस ई आई थीटा सी और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा एम सी एफ एम सी एफ है आपका प्लस 3/2 ई आई
थीटा इज इक्वल टू जीरो। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या हो गया, 0.5 ई आई थीटा बी प्लस वन माई प्लस यहां पे थीटा सी प्लस वन प्लस थ्री बाई टू ई आई थीटा सी। उसके बाद आपका माइनस 60 प्लस 2.1875 इक्वल टू जीरो। और जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 ई आई थीटा बी प्लस 2 प्लस 3 बाई टू दैट इज 3.5 माइनस 60 प्लस 2.1875 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 57.8125। ये हो गया क्या आपका इक्वेशन नंबर 10। अब हमारे पास देखो कितने अननोन है, आपको पता है कि हमने ये जो दो इक्वेशन हम देख रहे हैं यहां पे कितने अननोन है, थीटा सी थीटा बी, यहां पे क्या है थीटा बी थीटा सी, और हमारे पास दो इक्वेशन है। अगर हमें थीटा बी और थीटा सी या ई आई थीटा सी और ई आई थीटा बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली तो यहां पे हम ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सारे के सारे मूवमेंट निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, पुट करके सारे के सारे डायरेक्ट इन मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को कैलसी से सॉल्व करेंगे और देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है। फ्रॉम इक्वेशन नाइन एंड टेन बी गेट ई आई थीटा बी की वैल्यू और ई आई थीटा सी की वैल्यू। हम कैलकुलेट करते हैं, यहां पे आपका हो गया 2.933, उसके बाद आपका हो गया 0.5, उसके बाद आपका हो गया -78.4375। ठीक, हमें हमेशा ध्यान रखना है जब कैलसी में पुट करोगे आप इक्वेशन फॉर्म में जाओगे तो ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है या फिर क्या ax प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है इक्वेशन या ax प्लस बीवाई इक्वल टू सी है। तो कैलकुलेटर में जिस फॉर्म में इक्वेशन आपको मिलती है अगर वो ax प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म में लिखती है तो उस तरह हम उसके कोफिशियंट यहां पे पुट करेंगे, अगर ax प्लस बीवाई इक्वल टू सी रखते हैं तो इस तरह से हम कोफिशियंट पुट करेंगे। तो एक बार इक्वेशन में रखने से पहले जरूर देख लेना कि जो इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हो तो कैलकुलेटर में कौन सा फॉर्मेट दिया है। किसी किसी कैलसी में ax प्लस bx प्लस ax प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टू जीरो रहता है और किसी किसी कैलसी के अलग अलग मॉडल है तो उसमें ax प्लस by इक्वल टू c रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद आपका हो गया ये 30.296 और ये आपकी वैल्यू आ गई 20.845। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करके सारे के सारे मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अब यहां पे हमने पुट एम बी ए में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन सेकेंड, थ्री बाई फाइव इंटू ई आई थीटा बी सेवेंटी 75.57। ठीक, अब इसी तरह से ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस 15.3125 प्लस माइनस 30.296 प्लस 0.5 इंटू 20.845।
ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस 35.186। उसके बाद आपका एमसीबी देखेंगे हम, एमसीबी हो गया 2.1875 प्लस 20.845 प्लस 0.5 इंटू ई आई थीटा भी माइनस 30.296। ये आ गया आपका 7.8845। उसके बाद हम एम सी डी कैलकुलेट करेंगे, एम सी डी आ गया माइनस 60 प्लस 20.845 माइनस 39.155। तरह एम डी सी आ गया आपका 60 प्लस 0.5 इंटू 20.845 टू 5। यह आ गया आपका। अब इसी तरह से एम बी आ जाएगा आपका 4y3 इंटू माइनस 30.296 और उसके बाद एम ई बी आ जाएगा आपका 30.296 माइनस 20.197 और इसी तरह से आपका एम सी बी आ गया 1.5 इंटू ई आई थीटा सी 20.845। सारे के सारे मूवमेंट किलोमीटर मीटर में। तो इस तरह से हमने क्या करें, सारे के सारे फिक्स एंड मूवमेंट कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, एक बार ध्यान रखना कि फिक्स एंड मूवमेंट कैलकुलेट करने के बाद जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी एम बी ए एम बी सी प्लस एम बी इक्वल टू जीरो, क्या ये वैल्यू जीरो आ रही है तो हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा। अगर ये तीनों का सम जीरो आ रहा है इसका मतलब जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अदरवाइज हमें फिर से देखना पड़ेगा कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो है नहीं, क्योंकि इन क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। क्योंकि मोर देन दैट बच्चों के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं दो चार क्वेश्चन लगाने के बाद, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते तो हमेशा ही कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन में पुट करके एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि सही है कि नहीं क्वेश्चन। तो ये हमेशा आप कर लेना, जैसे भी आप वैल्यू निकालो तो क्या करना, वैल्यू पुट करके चेक कर लेना कि वहां पे जो वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू हमारी उन तीनों का सम जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस फिक्स एंड मूवमेंट को हम पुट करेंगे, इस फिक्स एंड मूवमेंट को हर जगह पे ड्रॉ करेंगे और उसके ड्रॉ करने के बाद फिर देखो जैसे हमारा क्या है एम बी ए, एम बी ए कितना है 75.57। उसके बाद एम बी सी, एम बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है माइनस 35.186। उसके बाद आपका क्या है एम बी ई, एम बी ई की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 40.394। इन तीनों का सम क्या आ रहा है जीरो, ऑलमोस्ट 0.001। तो उससे कोई मतलब नहीं, वो वैल्यू आप पॉइंट के आगे पीछे करते हो जीरो हो जाता है। इसका मतलब हमारा इक्वेशन करेक्ट है, हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। अब हम देखो अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, अब इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं ये चीज मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो हम इसी डायग्राम में शो कर देते हैं, इसी डायग्राम में शो कर देते हैं या फिर से हम बना लेते हैं। ये आपका क्या है ए, ये आपका क्या है बी है। अब देखो एम ए बी क्या है आपका जीरो, एम बी ए क्या है, एम बी ए की वैल्यू आ रही 75.57 पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 75.57 क्लॉकवाइज पॉइंट बी पे। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे बीसी में ड्रॉ करते हैं। देखो बीसी कितना आ रहा है एम बी सी, वेर इज एम बी सी, दैट इज माइनस 35.186 मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहां पे क्या लग रहा है 35.186 माइनस है, मतलब इस डायरेक्शन में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एमसीबी, एमसीबी हमारा क्या है, एमसीबी की वैल्यू आ रही 7.8845, पॉजिटिव है मतलब ऐसे लगेगा 7.8845, ठीक। उसके बाद आपका हमारा क्या है बीई, मेंबर बीई है। अब बीई में देखो बीई की वैल्यू कितना आ रही है, एम बीई दैट इज -40.394, ये क्या है, ये आपका निगेटिव है, निगेटिव मतलब क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे लगेगा यहां पे 40.394। और उसके बाद आपका एमईबी, एमईबी की वैल्यू क्या आ रही है -20.197, ये आपका क्या है निगेटिव, मतलब निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे लगेगा दैट इज 20.197। और जनरली क्या होता है ना, ये वैल्यू में ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर बीच में कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं लग रही है तो जो आपका एम बी ई होगा वो क्या होगा एम ई बी का डबल होगा, मतलब सीधा सीधा हाफ मूवमेंट यहां पर आ जाता है, तो हम देख रहे हैं कि लगभग ये दोनों हाफ है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एम सी डी। अब एम सी डी की वैल्यू कितनी है, MCD है आपका -39.155, नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कितना है 39.155। उसके बाद आपका MCD के बाद MDC, MDC आपका कितना 70.4225 क्लॉकवाइज, 70.4225 क्लॉकवाइज। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, देखेंगे CF। अब MCF, MCF की वैल्यू कितनी आ रही है 31.2675 क्लॉकवाइज, मतलब ये कितना हो गया आपका 31.2675, और यहां पे क्या हो जाएगा जीरो। तो ये हमने फिक्स एंड मूवमेंट को ड्रॉ कर दिया। अब जब हम इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे तो इसमें दो चीज करनी पड़ती है। पहली चीज क्या कि फिक्स एंड मूवमेंट निकाला हमने, अब इसका एज अ सिंपली सपोर्टेड सारे के सारे बीम का हमें क्या निकालना पड़ेगा मूवमेंट, सारे के सारे बीम का क्या निकालना पड़ेगा मूवमेंट। हमने सारे मूवमेंट ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है, इसको हमने इरेज कर दिया। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं इस मूवमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। A, B, C, D, E, F। अब हम क्या करेंगे, जब तक हम फिक्स एंड मूवमेंट की कैलकुलेशन करते रहते हैं ये सारे के सारे क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होते हैं, बट अब जब इसका बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा सैगिंग और हॉगिंग। तब हम क्या देखेंगे कि हमारा सैग कर रहा है कि हॉग कर रहा है, अगर सैगिंग हो रहा है तो पॉजिटिव, हॉगिंग हो रहा है तो नेगेटिव, पहली चीज। और दूसरी चीज इसके साइन कन्वेंशन में हम ध्यान रखेंगे, जब भी हमारा हम नॉर्मली बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सैगिंग क्या होता है पॉजिटिव, मान लो जैसे ये है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हॉगिंग। अगर आपका हमारा मूवमेंट ऐसे लग रहा है तो ये क्या हो गया सैगिंग, तो सैगिंग को हम पॉजिटिव लेते हैं और ऊपर ड्रॉ करते हैं, हॉगिंग को हम निगेटिव लेते हैं और एक्सेस के नीचे ड्रॉ करते हैं। बट जब हम फिक्स एंड मूवमेंट को ड्रॉ करेंगे तो सैगिंग को पॉजिटिव लेंगे और हॉगिंग को निगेटिव लेंगे, बट सैगिंग को हम क्या करेंगे एक्सेस के नीचे ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और हॉगिंग को एक्सेस के ऊपर ड्रॉ करेंगे निगेटिव साइन के बाद। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल लोड और जो हमारा हैगिंग सॉगिंग की वजह से फिक्स एंड मूवमेंट आता है उन दोनों की साइड अपोजिट होती है और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस वजह से अगर हमने नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया या दोनों को पॉजिटिव को ऊपर ड्रॉ कर दिया तो नेट पॉजिटिव हमें निकालने में दिक्कत होगी, उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे फिक्स एंड मूवमेंट को पहले हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद इसका सैगिंग और हॉगिंग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, और सैगिंग मूवमेंट को जो कि पॉजिटिव होता है एक्सिस के नीचे ड्रॉ करेंगे विद पॉजिटिव साइन फिक्स एंड मूवमेंट को, और हॉगिंग मूवमेंट जो कि निगेटिव होता है एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे विद निगेटिव साइन। तो अब हम यहां पर देखते हैं, अब अगर हमारी ये बीम ए बी है तो यहां पर यह मूवमेंट क्या कर रहा है, ये मूवमेंट इसको क्या कर रहा है, यहां पे देखो अगर ये जो हमारा मूवमेंट है इसकी वजह से इस बीम में सैगिंग आ रही कि हॉगिंग, देखो ये इसको ऐसे मोड़ेगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने का क्या मतलब हो गया कि ये हमारा
हॉगिंग हो गया। ऐसे होने क्या मतलब हुआ कि हमारा हॉगिंग हो गया। हॉगिंग क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव हम कहां ड्रॉ करेंगे? ऊपर। तो ये वैल्यू क्या हो गई? यहां जीरो, यहां पर क्या हो गया 75.5 से। ये देखो ये क्या है, ये दोनों के दोनों हॉगिंग है, ऐसे कर रहा है। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, जब ऐसे मूवमेंट लगा और ऐसे मूवमेंट लगा तो कैसे होगा, ऐसे हॉग, कॉनकेव अपवर्ड। तो हॉगिंग क्या होगा हमारा? निगेटिव। निगेटिव को कहां ड्रॉ करना है? ऊपर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 35 और ये हो गया आपका 7। उसके बाद यहां पे देखो, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें ध्यान रखना है, इसमें दो चीजें होती हैं। हम जल्दी क्या करते हैं, आउटर फेस को हम मान लेते हैं। जैसे यहां पे ऊपर वाला फेस था, ये ऊपर वाला, इसको हमने क्या मान लिया है, इसके रिफरेंस में देख रहे हैं सैग हो रहा है कि हॉग हो रहा है। इसी तरह इस रिफरेंस में क्या मान लेते हैं, आउटर साइड को। तो बाहर से देखेंगे तो ये जो मूवमेंट है ऐसे, इसको क्या कराएगा, हॉग, क्योंकि ये ऊपर का पोर्शन है, नीचे का हम ऐसे मान के चल रहे हैं। और ये मूवमेंट क्या कराएगा इसको, ये आपका क्या कराएगा, सैगिंग कराएगा, और ये क्या कराएगा, हॉगिंग कराएगा। कैसे? देखो, जब ऐसे मूवमेंट लगाए आपका, ये मान लो ऊपर का पोर्शन है, अप ये है डाउन, तो जब इस यहां पे ऐसे मूवमेंट लगाओगे तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे कर्वेचर आएगा ये, तो क्या हो गया, सैगिंग। और जब यहां पे तुम ऐसे मूवमेंट लगाओगे तो ये कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो गया, हॉगिंग, क्योंकि बाहर है और ये अंदर है, तो हॉगिंग हो गया, सैगिंग हो गया। तो सैगिंग क्या करना है, सैगिंग हमारा पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या करना है, यहां नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका 40। और हॉगिंग क्या करना है, हॉगिंग आपका क्या होता है, नेगेटिव, और उस नेगेटिव को क्या करना है, ऊपर की डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। तो हमने इसको ये कर दिया ऐसे, ये हो गया आपका 20.197, ये क्या हो गया आपका 40.394। ये हमारा क्या था, सैगिंग पॉजिटिव, ये हमारा क्या है, हॉगिंग नेगेटिव। अब इस पर एक चीज हमें सुपर इंपोज भी कराना है। उसके बाद इसी तरह यहां पे देखें क्या है, दोनों हॉगिंग, हॉगिंग मतलब नेगेटिव, नेगेटिव क्या करना है फिक्स एंड मूवमेंट में, ऊपर। अब क्या हो गया, ये हो गया आपका ऐसे, और यहां पे हो गया ज्यादा, क्या हो गया 70.4225, और ये पॉइंट हमारा कितना हो गया, पॉइंट हो गया हमारा 39.155। और इसी तरह यहां पे ड्रॉ करेंगे, ये आउटर वाले फेस को हम क्या मानेंगे, बाहर का। तो यहां पे कितना मूवमेंट लग रहा है, ये लग रहा है आपका 31.2675। ये क्या होगा, सैगिंग करेगा, सैगिंग क्या करेंगे, नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, तो ये ऐसे हो गया, और सैगिंग क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये हमारा वैल्यू कितना आया, ये हमारा वैल्यू आ गया 31.2675। हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया फिक्स एंड मूवमेंट। अब हम फिक्स एंड मूवमेंट के बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट की वैल्यू लिखी है हमने यहां पे, ये क्या है 31, ये आपका क्या है 31.2675। अब हम इसके ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम डायग्राम को बनाएंगे। यहां पे सैगिंग ऊपर होगा और हॉगिंग नीचे होगा, जैसे सेम करते हैं। तो एक एक बीम हम देख लेंगे, जैसे ये हो गया आपका एबी, एबी में क्या लग रहा है, यूडीएल कितने का, 30 किलो न्यूटन मीटर। तो यूडीएल के केस में बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाता है, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, क्योंकि ये निकालोगे तो यहां पे रिएक्शन आएगा डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 2। टोटल आपका लोड क्या हो गया, यहां पे आ गया डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 2, और माइनस से हाफ वाले लोड को माइनस करेंगे तो डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 इंटू एल बाई 4। तो क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8। तो आपको याद भी होगा ये मूवमेंट क्या हो जाता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 30 इंटू 5 इंटू 5 बाई 8। तो ये मूवमेंट निकल के क्या आ गया, ए बी का 30 इंटू 25 डिवाइड बाई 8, 93.75। ये आपका ए बी हो गया। अब इसी तरह हम बी सी का देखेंगे, तो क्या है, ये आपका 0.5 है, ये आपका क्या है 3.5 है, ये आपका क्या है 40 है। तो ये रिएक्शन क्या आ जाएगा, 40 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 4। ये रिएक्शन कितना आ जाएगा, 40 इंटू 0.5 बाई 4। तो आपका क्या हो गया, 10, और 10 5 ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो यहाँ पे मूवमेंट क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3.5, तो 15,
17.5 जाए इधर से ले लो आप, तो हो जाएगा 10, तो 35 इंटू 0.5 17.5। तो इसका जो ये तो आपको आता ही है ड्रॉ करना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव 17.5। अब इसी तरह क्या करेंगे, हम सीडी का ड्रॉ करेंगे। जब सीडी का ड्रॉ करेंगे 20 में लग रहा है 120, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60, ये आपका हो जाएगा 60, और ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा 120। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं WL बाई 4, तो 120 इंटू 4 बाई 4, तो कितना हो जाएगा 120 पॉजिटिव। अब यहां पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं, यहां पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं, सिंपली सपोर्टेड का कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं आएगा। एबी का हमारा ये बन गया, बीसी का हमारा ये बन गया, और आपका सीडी का हमारा ये बन गया। अब इसको यहां पे सुपर इंपोज करा देंगे, अब इस डायग्राम को यहां पे क्या करेंगे, सुपर इंपोज करा देंगे। कैसे कराएंगे, सेम यहां पे क्या था, सैगिंग को पॉजिटिव लेना है बट ड्रॉ करना है नीचे, हॉगिंग को निगेटिव लेना है बट ड्रॉ करना है ऊपर फिक्स एंड मूवमेंट में। और वहां पे क्या करेंगे हम, जैसे आपका डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर का एसएफडी बीएमटी बनाते थे, सेम वैसे ही ड्रॉ कर दिया। तो इसको हम सुपर इंपोज कराएंगे, तो सेंटर पे कितना था 1, यहां पे ए बी ये कितना है सेंटर पे 93.75, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ऑर्डिनेट कितना है टोटल, ये आपका 93.75। अभी तो हम बना रहे हैं कि ड्रॉ करते जाते हैं, इस ऑर्डिनेट को जरूर दिखाना कि ये कितना है, यहां से यहां तक तो नहीं है क्योंकि नेट हमारा यही बेंडिंग मोमेंट आएगा। उसके बाद जब हम बीसी के लिए ड्रॉ करेंगे तो यहां पे क्या आ रहा है 17.5, और यहां पे आपका 7.88 है, यहां पे 35 है, तो 20 में वैल्यू कुछ क्या आपका 17.5 से ऊपर जाएगी नीचे, ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा इक्वेशन में, ये चीज क्या करना पड़ेगा आपको इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि यहां इसके सेंटर में वैल्यू कितनी होगी, सेंटर में नहीं है, ये आपका है 0.5, यहां से 0.5, तो ये वैल्यू श्योर है कि नीचे ही आएगी 17.5 से, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। उस बाकी वैल्यू हम देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे वैल्यू ये फिक्स इन मूवमेंट की कितनी आएगी, ये हो जाएगा आपका 35.186 माइनस 7.88 डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस है 4 इंटू ये आपका कितना इधर वाला 3.5 प्लस 7.88, 31 के आसपास वैल्यू आएगी यहां पे। तो ये इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, और ये आपका क्या था पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव था और टोटल नेगेटिव था। अभी मैं ड्रॉ करता हूं आगे, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा 120 ऐसे बन गया, ये ऑर्डिनेट कितना हुआ 120, ये ऑर्डिनेट कितना हुआ 17.5, ये आपका हो गया फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसमें हम करते क्या है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है और पूरा का पूरा इतना पॉजिटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, ये पोर्शन बचेगा सेडेड पोर्शन, ये यहां पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, ये सेडेड पोर्शन। यहां पे पूरा पॉजिटिव था और ये हमारा नीचे वाला नेगेटिव था, तो क्या सेडेड पोर्शन बचा, ये पोर्शन। ठीक, तो ये हुआ हमारा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और इसमें ऑर्डिनेट लिखने के दो तरीके हैं। पहली चीज ये हमने 93.75 ये ऑर्डिनेट लिखा है, लेकिन इस पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो केवल सिर्फ और सिर्फ इतना होगा ये, तो या तो हम इसको पूरा शो करके कि यहां से यहां तक 93.75 है और यहां क्या वैल्यू दिखाएं, या फिर अगर यहां पे हम ये लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पूरे के मैग्नीट्यूड से ये वाली वैल्यू माइनस करके तब यहां पे हम आंसर लिखेंगे, वो होगा फाइनल बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। अगर आपके पास टाइम है तो ये ऑर्डिनेट बनाने के बाद यहां पे क्या करो, आप वैल्यू लिख दो, ये पूरी की पूरी वैल्यू मत शो करो। अगर आपके पास टाइम कम है तो पूरी की पूरी ऑर्डिनेट की वैल्यू शो कर दो कि ये इतना मैग्नीट्यूड यहां पे है और हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है सेडेड पोर्शन है, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। बट पूरा क्वेश्चन तभी होगा जब इस वैल्यू को आप क्या करोगे, कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह यहां पे इस टोटल वैल्यू में से ये माइनस कर दो, ये इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू केवल इतनी होगी, जो सेडेड पोर्शन है वही हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है और वही हमारा ऑर्डिनेट है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम स्लोप डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
और इसमें और क्या हो सकता है, मैक्सिमम केस हो सकता है यील्डिंग का, जब यील्डिंग होगा तो हम डेल्टा बढ़ा लेंगे और एक सीयर इक्वेशन लिख के तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.